हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के डेट में मैं आपको नरेशन के सीरीज में डे 6 का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको दूंगा ऐसा सोल्यूशन कि जितनी भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे प्रत्येक रूल के साथ में। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा और यह भी सिखाऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के 9 रूल्स ऐसे जो अगर आपने जान लिया तो दुनिया में आने वाले कोई भी सेंटेंस होंगे आपके सामने उसे आप बिल्कुल आसानी से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। यह मेरा चैलेंज है, राइट। लेकिन याद रखिए कि आपको ये चीज़ें 100% करने के लिए गाइस ज़रूरी है कि इसे पूरी तरह से देखें। तो इस 6 डे के पहले वाले मतलब कि डे 5 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस होता है गाइस वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, और वो टोटल डिटेल आप नरेशन के सीरीज़ में डे 5 का वीडियो जाके देखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, कि जैसे अगर कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर वो पॉइंट्स आपको याद होते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, राइट। अब जैसे मान लीजिए आप असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप पीछे के कुछ वीडियो जो मैंने 4 या 5 दिन का बनाया हुआ है वो सारा पॉइंट्स आपको अच्छे ढंग से लर्न होना चाहिए, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि जो जनरल रूल्स होता है उसमें हमारे 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स हमने आपको बताया था कि जो चेंज ऑफ पर्सन होता है वो आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, फिर उसके बाद चेंज ऑफ टेंस जो होता है वो रूल्स आपको आने चाहिए, और उसके बाद में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए। जब ये पार्ट्स आपको अच्छे ढंग से आएंगे तो ये चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये तो 9 ट्रिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो जिसमें कि अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस आता है तो उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये विशेष रूप से हम इसमें आपको ये बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से जो है सभी के सभी प्रकार के सेंटेंसों को जो है अफर्मेटिव से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के एग्जांपल्स की बात करेंगे गाइस। लेकिन याद रखें, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि टेंस का जो चेंजिंग होता है, चेंज ऑफ टेंस का जो रूल्स होता है वो अगर आप जानते हैं तो किसी भी टेंस का जो है सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है अगर वह असर्टिव सेंटेंस है या फिर असर्टिव में जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव में से कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज क्यों ना हो, उसके लिए ये सारे 9 के 9 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अच्छे ढंग से लर्न कर लेंगे तो 100% आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, राइट। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन अगर आपने इसे प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो 100% ये चीज़ें आपको अच्छे ढंग से आ जाएंगी, राइट। मैं वीडियो के लास्ट में जो है नरेशन का पूरे सीरीज का जो है एक प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और वीडियो जब लास्ट होगा तो आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके डे 1st और 2nd, 3rd का वीडियो जो है आप आसानी से 4th तक 5th तक के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1 में हम आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट नोट वाले बता दे रहे हैं, उसे ध्यान से सुने और जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ पर आप नोट करें, ठीक है। कहा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कहने का मतलब ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें अगर से टू या फिर सेज टू या फिर सैड टू आता है तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, से टू को टेल्स में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और सैड टू को जो है टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को हमेशा। और यदि केवल से, सेज या सैड दिया गया है तो उसको हम बदलेंगे नहीं, राइट ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे सेज लिखा गया है ना तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेज ही लिखेंगे, राइट ना। जब से, सेज या सैड के बाद में टू भी लगा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब हम उसका जो है इनडायरेक्ट में टेल, टेल्स एंड टोल्ड में चेंजिंग करते हैं, जैसे क्रमशः, ओके ना। तो इस चीज़ को आप नोट करें। अब आगे हम आपको बताएंगे, ध्यान से आप इस बात को याद रखना कि जैसा कि हम ऑलरेडी जनरल रूल्स के हिसाब से जानते हैं
कि जनरल रूल्स के हिसाब से जब भी हम ये इन्वर्टेड कॉमा हम हटाते हैं तो बीच में दैट लगाते हैं, ठीक। वह रूल्स तो हमेशा लगा ही रहेगा। और यह रूल्स जो है गाइस एक प्रकार का स्पेशल रूल्स है जिसके द्वारा आप कोई भी सेंटेंस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यह रूल्स जान लिया, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपका है कि ही सेज आई शाल रीड ए बुक। अब जैसे मान लो ही सेज है आपका और आई शाल रीड ए बुक है, तो यह आपका फ्यूचर टेंस का है, राइट ना। लेकिन कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो इसलिए असर्टिव सेंस में जो टेंस को चेंज करने का रूल्स है, जो आपका प्रोनाउन को चेंज करने का, पर्सन के चेंज करने का रूल्स है, वो आपको आना ही चाहिए। अगर वो आता है तो बिल्कुल इसका इनडायरेक्ट जो स्पीच होगा बिल्कुल ये होगा, सिंपल है, बिल्कुल आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा अगर कि आई से यहाँ पे ही कैसे हो गया, राइट, और ये शाल से यहाँ विल कैसे हो गया, अगर इसकी प्रॉब्लम है तो आपको जो है पीछे की वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। और जाहिर सी बात है ही के साथ में विल लगता है, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो ये चीज़ें भी आप 100% क्लियर कर चुके हैं, राइट। वैसे ही एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जैसे सीमा सेज टू मी। अब यहाँ पे सेज टू लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट भी लगाया गया है। तो सेज टू को हमने क्या कहा, रूल्स के अनुसार टेल्स में बदल दिया। और उसके बाद में जो योर आपका सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी का जो है नॉमिनेटिव केस माई बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। अब एक एग्जांपल और यहाँ पे है डायरेक्ट का, राजू शेड आई कैन बाय ए बस। अब यहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ है ना, यह एक ओवरऑल आपका ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब का भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए भी यही रूल्स फॉलो होंगे। सिंपली इसी तरीके से आप जो है इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, राइट। अब आते हैं गाइस पॉइंट नंबर टू पर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बिल्कुल नई चीज़ें आप सीखेंगे। ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे। अब ये है आपका पॉइंट नंबर टू का एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। इससे आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर लीजिए। जो मैं नोट बता रहा हूँ उसे अगर आपने नोट कर लिया अच्छे ढंग से तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक। कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच नहीं बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ये, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पड़ा हुआ सेंटेंस है, उस सेंटेंस के भीतर जो सेंटेंस है उससे अगर यह भाव स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस जो है हैबिचुअल या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, या फिर प्रिंसिपल है कोई, जैसे सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, या कोई लोकोक्तियाँ हैं, प्रोवर्ब्स जिसे कहते हैं, अगर ऐसा है तो इसका जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी यहाँ पे दैट आप लगाएंगे ही, और सेट को सेट के अकॉर्डिंग जो रूल्स है उसके अनुसार यहाँ पे भी आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है एक क्या है आपका प्रोवर्ब है, इसलिए हमने सेम टू सेम उसको उठा कर यहाँ पे रख दिया है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे टू मेक्स टू एंड टू मेक्स फोर अगर यहाँ पे होता तो यह भी एक प्रोवर्ब्स होता और उसे भी सेम टू सेम हम रख देते, राइट। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर थ्री में। पॉइंट नंबर थ्री में जो है विशेष रूप से इन चीज़ों को देखेंगे। ये है आपका पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर थ्री। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे इसमें एक विशेष पॉइंट आप ये ध्यान देंगे कि इसमें दो प्रकार के मैंने डायरेक्ट स्पीच सेम सेंटेंस को लिखा हुआ है और यहाँ पे इनडायरेक्ट इसका एक ही बनाया गया है, ठीक है। तो कैसे है इसको आप ध्यान से समझें। कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है गाइज, यदि इसमें संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो, समझ रहे ना, नाउन का प्रयोग हो और संबोधन के रूप में, तो इनडायरेक्ट में उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ही सैड यू आर फुलिश, मोहन, मोहन को संबोधित किया जा रहा है, मतलब मोहन के नाम पर यह सेंटेंस बोला जा रहा है। आप चाहें तो इसी सेंटेंस को डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि ही सैड टू मोहन यू आर फुलिश, राइट। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि जो मोहन नामक शब्द है जिसको हम संबोधित कर रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में बनाकर जो है इसका इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे काम करेंगे। तो सैड या सैड टू को हमने यहाँ पे टोल्ड यूज किया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट में मोहन को रख दिया, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपका
और अब ओवरऑल आपका प्रोनाउन है ये रूल्स के हिसाब से चेंज होगा, और साथ में जो ये आपका टेंस है ये भी चेंज हुआ, और सेम टू सेम आपका ये इनडायरेक्शन टेंस बन गया, राइट। तो ये तो हो गया गाइज आपका पॉइंट नंबर 3। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। एक ही सिंगल सेंटेंस है और यह बिल्कुल आसान है। याद रखना गाइज कि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से उसको समझ लेना, और 100% इसका यूज़ आप इसी बेस पे कोई भी दुनिया का सेंटेंस है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो रूल नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आपको कहीं ऐसा सेंटेंस या शब्द दिखाई दे रहा है जैसे ओ या फिर यू सी, ओके, समझ रहे ना, या फिर वेल, ऐसे शब्दों का अगर यूज हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। अगर ऐसे शब्दों का यूज हुआ है तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, इस शब्दों को हटा सकते हैं, ठीक है। ये जो ओके या वेल या जो भी आपका शब्द लगा हुआ है उसे हम हटा सकते हैं, और बाकी जो है जनरल रूल्स के बेस पर जो है हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बना देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं, और ये पॉइंट नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको दो सेंटेंस बताएंगे। इसको भी आप विशेष रूप से जो है समझ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच में यदि मस्ट का प्रयोग हुआ हो, और इस मस्ट से ऐसा आभास होता है कि किसी कर्तव्य या फिर किसी नियम या सिद्धांत या जिम्मेदारी की बात जो है बोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस मस्ट से ऐसा आभास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम टू सेम रख देंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जैसे ही सैड वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो इसमें एक ओवरऑल सिद्धांत की बात करी जा रही है, एक कर्तव्य की बात करी जा रही है, सिद्धांत नहीं बल्कि एक कर्तव्य की बात करी जा रही है कि उसने कहा कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसका जब इनडायरेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम टू सेम हमने राइट कर दिया। मस्ट का एक और रूल है गाइज, ये भी देख लो, मस्ट के लिए एक और रूल क्या कहा जा रहा है, यदि सेंटेंस में जो आपका डायरेक्ट सेंटेंस में यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हुआ हो और मस्ट से ऐसा अर्थ निकल रहा है कि जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, तो इसको जो है अर्थ के अनुसार, अगर अर्थ के अनुसार जैसे मान लीजिए यह प्रेजेंट टेंस में लग रहा है तो हैज़ टू में चेंज करेंगे, समझ रहे हैं, और ये पास्ट टेंस में लग रहा है तो हैड टू में, समझ रहे हैं कि नहीं, और विल वगैरह जैसे मान लीजिए विल हैव टू है तो वुड हैव टू में, इस तरह से हम इसका चेंजिंग कर देते हैं। और ये कैसे चेंज होगा, इसके लिए आप चेंज ऑफ टेंस वाले रूल्स को day 4 के वीडियो को देखें, राइट। ये इस तरह से हम इसको चेंज कर लिए हैं, और देखिए सेंटेंस ऐसा आभास हो रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है जैसे, या पास्ट टेंस की बात हो रही है, आई मस्ट डू दिस वर्क, समझ रहे ना। तो इस तरह से सेंटेंस गए जी आप 5 नंबर पॉइंट के सेंटेंस को कर सकते हैं, राइट। अब आइए आते हैं, हम आपको लेके चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, और उसमें समझाते हैं आपको कैसे हो रहा है, उसको भी चेक करें। एक बात तो तय है, एक बात यह तय है गाइस कि यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे उत्तम है, चाहे आप किसी छोटी क्लास में हो, चाहे आप बड़ी क्लास में हो, चाहे आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी यह सेंटेंस यह रूल्स जो है आपके लिए 100% काम करेगा। तो हम इस पॉइंट नंबर 6 को समझने के पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम सबसे पहले एड्रेसिंग का यूज कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर एज का हम लगाएंगे प्रयोग, और उसके बाद में हम टर्म्स ऑफ एड्रेस का यूज करेंगे। जैसे इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि सेंटेंस ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में, जो रिपोर्टेड स्पीच आपका ये है, इससे यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें संबोधन के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे माय डियर फ्रेंड्स, समझ रहे हैं, या फिर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, या फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा अगर सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में आपको डायरेक्ट वाले में दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका फ्रेंड्स, राइट ना,
यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका दिखाई दे रहा है, तो इससे यह पता चल रहा है कि एक संबोधन किया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेड टू द पीपल, मतलब वो एक संबोधन कर रहे हैं कि हियर आई थैंक यू ऑल, कि मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। तो यह एक संबोधन सेंटेंस है। तो इसका जब हम जो है ओवरऑल इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, विशेष रूप से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको बदलने के लिए हम एड्रेस, मतलब ये जो सैड टू वाला सेंटेंस या शब्द होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसे हम एड्रेस्ड कहेंगे, राइट ना। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से एड्रेसिंग करके आप बोल सकते हैं, राइट। और जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको आप हटा सकते हैं सेंटेंस में, जैसे दोनों को मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे इसका जो है आपका डायरेक्ट स्पीच था कि डियर अम्बेडकर सैड टू द पीपल, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। और इनडायरेक्ट दो प्रकार से आप बना सकते हैं, एक आपका यह दूसरा तरीका है कि डी आर अम्बेडकर एड्रेसेड द पीपल एज फ्रेंड्स, सिंपली इस वाले बेस पर है, बस यहाँ पे हमने आपको एड्रेसिंग नहीं लगाया हुआ है स्टार्टिंग, बल्कि ये चीज़ें लगाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा गया है इस रूल्स के बेस पर, उसके बाद एज रखा गया है, फिर टर्म्स ऑफ एड्रेस जो है मतलब जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उसको रख दिए हैं, जिसके लिए हम बोल रहे हैं वही टर्म्स ऑफ एड्रेस कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स जो हैं ये टर्म्स ऑफ एड्रेस हैं सेंटेंस में, तो उसको हमने एज के बाद में रख लिया, राइट। और उसके बाद जो जनरल रूल्स होता है उसके बेस पर हमने दैट लगाया, सैड टू सैड लगाया, उसके बाद दैट लगा करके देयर ही थैंकड देम ऑल, या किस तरह से जो है आपका पर्सन चेंज हुआ, कैसे हुआ, ये सारा डिटेल आप पिछली वीडियो से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। और इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम और सारी चीज़ें तो सेम रखेंगे, लेकिन जो डी आर अम्बेडकर एड्रेसड है उसे आप चाहें कि केवल एड्रेसिंग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इनडायरेक्ट का दूसरा तरीका इस बेस पर सिंपली बिल्कुल रखा गया है कि एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स डी आर अम्बेडकर को यहाँ पर रख देंगे, समझ रहे ना। सैड दैट देयर ही थैंकड देम ऑल, राइट ना। तो यहाँ पे हमने ये दो तरीका सीखा, अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस तरह से बनाया जाता है। अब यही रूल्स होते हैं जिसके द्वारा आप किसी भी दुनिया के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं रूल नंबर पॉइंट नंबर 7 की तरफ, और पॉइंट नंबर 7 में हम कुछ और भी नई चीज़ें सीख लेते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्वागत जैसे वेलकम हो या विदाई हो, जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून गुड नाइट ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, समझ रहे हैं, तो उसको हम जब भी चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में जा करके तो थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसको हम सिंपली जो है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और ये जो सैड टू होता है गाइज, इसे हम थोड़ा सा अर्थ के अनुसार जो है शब्दों में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ अगर चाहें तो आप विस्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह बोला गया है तो एक विस्ड ही तो है ना, गुड मॉर्निंग बोला गया है तो एक विस है, तो हमने वहाँ पे विस्ड का यूज़ किया बिकॉज ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें हमने विस जो है उसको हमने विस्ड कर दिया, सैड टू को हमने विस्ड कर दिया। और जैसे ज़रूरत के अनुसार बिड का प्रयोग कर सकते हैं, या बिड्स का प्रयोग कर सकते हैं, बेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप विश और विशेष या विस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहे हैं नहीं। तो इस तरह से आप इनको चेंज करके बाकी अदर चीज़ें जो हैं वो आप जनरल रूल्स के बेस पर पे चेंज कर देंगे। अब याद रखिए कि जैसे केवल हम विशेष पॉइंट्स को इसमें चेंज करने के तरीके सीख रहे हैं, बाकी टेंस कैसे चेंज होगा, पर्सन किस तरह से चेंज होगा, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, राइट। अब आइए पॉइंट नंबर 8 को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 में क्या दिया गया है इसको आप ज़रूर समझें। पॉइंट नंबर 8 में कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए माई डॉटर इज़ ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, आई विल विजिट द रेड फोर्ट, है ना, तो इसमें कई सेंटेंस है ना। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक कई असर्टिव सेंटेंस लगे हुए हैं तो उसको हम इस तरह से जो है चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के तरीके ये आपके पास दिए गए हैं।
सिंपली सब कुछ वही रहेगा जो जनरल रूल्स में होता है। स्पेशल रूल्स में बस क्या चीज़ें हैं, कुछ ही ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हम स्पेशल रूल्स के जैसे विस या विस्ड है इस तरह की चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेंगे, बाकी सारा का सारा जनरल रूल्स के बेस पर ही होता है। तो ये आपका हो गया कि द एम्परर सैड दैट हिज डॉटर, हिज कैसे हुआ भाई, ये जो माई है वह आपका ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे रखा गया है इस ही के अकॉर्डिंग, मतलब एम्परर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हिज डॉटर वॉज ब्यूटिफुल एंड लेबोरियस एंड ही वुड विजिट द रेड फोर्ट, राइट। सारे के सारे जनरल रूल्स के द्वारा रखे गए हैं, कुछ विशेष स्पेशल नहीं है इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अफर्मेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस है, इस बेस पर आप चेंज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह जो है वह आप टेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव नेगेटिव में लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 9 है गाइस, जो मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बताने के पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे चैनल को सर्च करते हैं जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करियर, जो यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है, इसको सर्च करें। इसके द्वारा आप अंग्रेजी को घर पे बैठे बैठे बिल्कुल आसानी तरीकों से बोलना सीख सकते हैं, राइट। तो आइए इसको हम लास्ट में आपको बता देते हैं, इसको सीख लीजिए। और हाँ, इसके द्वारा आप कोई भी एक्सरसाइज करो, बस आपको याद रहना चाहिए कि डे 1, 2, 3, 4, 5 के वीडियो को भी देखना अति आवश्यक है अगर आप इसे करना चाहते हैं तो। बाकी आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है गैर रूल कि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट, अंत में और बीच में हो। कभी कभी ऐसा आता है ना कि सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कभी लास्ट में होता है, कभी कभी बीच में भी आ जाता है। अगर ऐसा सेंटेंस में आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उसका इनडायरेक्ट जो है जनरल रूल्स की तरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, जैसा कि यहाँ पे करके दिया गया है, राइट। तो गाइस ये था आज का टोटल का टोटल डिटेल जो है वो विशेष रूप से हमने आपको बताया। और डेली बिल्कुल फ्री में वीडियो को देखो और घर बैठे डेली पढ़ाई करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।